सबको पता होना चाहिए कि क्या बात है, हम का विरोध कर रहे हैं। रैली में टाइम नहीं होता, मैं दो मिनट में जरा इसके बारे में बोल दूं ताकि हम सब जाके कम से कम अपने अपने गांव में दो दो चार चार लाइनें तो बोल सके इसके बारे में। तीन कानून ये सरकार एक झटके में लेके आई है। महामारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान लेके आई है। उस टाइम किसान क्या मांग रहा था? किसान कह रहा था, मेरा टमाटर का किसान, मेरा सब्जी फल का किसान कह रहा था, जी मंडी बंद करवा दी आपने, मेरी तो फसल ही बर्बाद होगी, मेरे को थोड़ा हरजाना दे दो। किसान कह रहा था जी कि दुनिया भर में डीजल का प्राइस, डीजल का दाम कम हो रहा है, ये हमारे देश में डीजल का दाम बढ़ रहा है, थोड़ा डीजल का दाम ही ठीक लगा दो, पेट्रोल का जो करना है कर लो, मेरा डीजल तो ठीक कर दो, मेरे को खेत में जरूरत है डीजल की। किसान कह रहा था कि मेरे को फसल का ठीक दाम मिल जाए, मेरी फसल में जो हरजाना हुआ है उसका मुआवजा मिल जाए। इन्होंने कहा ना 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 ना, जो तू मांग रहा है वो नहीं देंगे, तेरे को तीन तीन गिफ्ट देंगे। आजकल बच्चों को बर्थडे गिफ्ट चलता है ना, कि सरकार कहती है तेरे को तीन तीन गिफ्ट खाना खिलानी है। किसान कह रहे जी मैंने तो मांगी ना, मैंने तो 50 साल में मांगी ना, ये हमने दुष्यंत चौटाला से भी सवाल पूछा है, भाई ये जो तू कह रहा है इतनी अच्छी चीज सरकार लेके आई है, इतना शानदार तोहफा लेके आई है, तू मेरे को बता आज तक तैने कभी मांगा था? तू मेरे को अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो दिखा दे, कभी मैंने पहले मांगा था सरकार आज ले आई, बहुत अच्छी बात। चल तैने नहीं मांगा, तेरे पिताजी ने मांगा था, और तेरे दादा ने मांगा था कभी, अरे तेरे परदादा चौधरी देवीलाल ने कभी कहा था कि ऐसे कानून आने चाहिए? भाई जिस चीज को तेरे मांगा ना, या तो तू पागल था कि तेरे को पिछले 50 साल से तेरे को पुरखों को अकल ही नहीं थी कि ऐसे कानून आने चाहिए, या आज अचानक तेरे दिमाग का बल्ब जल गया है कि भाई ये होने चाहिए कानून, या पीछे कुर्सी है जिस कुर्सी की चाबी काम कर रही है। तो जिस कानून को किसी ने मांगा नहीं, उन तीन कानूनों को बीजेपी लेके आई। क्या कानून है? लंबे लंबे नाम है कानूनों के, मैं आपको बड़ा सिंपल देसी भाषा में समझा देता हूं। पहला कानून है जिसका नाम होना चाहिए जमाखोरी खोलो कानून। पहले सरकार की तरफ से लिमिट थी कि खास तौर पे खाने पीने की जो चीजें हैं उसका स्टॉक बहुत ज्यादा व्यापारी इकट्ठा नहीं कर सकता। अब सरकार कहती है वो लिमिट हटा दी, जितना मर्जी स्टॉक बनाओ। वो क्यों? आप पंजाब में कभी जाके देखना, अडानी बड़े बड़े बना रहा है जिसको साइलो बोलते हैं। वो हमारे जैसे गोदाम नहीं है, हमारे बड़े बड़े गोदाम के 100 गुना बड़ा गोदाम है वो, अडानी बना रहा है, पंजाब के अंदर शुरू हो गया है। तो सरकार ने वो लिमिट हटा दी है, चाहे जितना मर्जी गेहूं चावल दाल जितना मर्जी स्टॉक करो। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि जब किसान अपनी फसल बाजार में लेके आएगा, उससे 10 दिन पहले वो स्टॉक अपना मार्केट में रिलीज कर देंगे और किसान की फसल का दाम डाउन। जब आपके कोठे में दाम गेहूं खत्म हो जाएगा, कणक अपनी सारी आप फेंक के आ जाओगे, उसके बाद अचानक कणकों का दाम अप। जब किसान ने बेचना होगा तो दाम डाउन, जब कंज्यूमर ने खरीदना होगा तब दाम अप। यही खेल है, पहले कानून का ये नतीजा होगा। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, ठेके की खेती, ठेका अपने वाला नहीं, जो किसानों का आपस में ठेके की खेती होती है उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है, ये कंपनी और किसान में ठेके की खेती होगी। अपने यहां पे नहीं हुई है, पंजाब में आप फोन करके पता कर लेना। पंजाब में पेप्सी कंपनी आई थी, पेप्सी कंपनी ने आलू के किसान के साथ सौदा किया। सौदा मान लो ये कर लिया भी 6 रुपए किलो तू आलू मेरे को दिया करेगा। पहले साल क्या हुआ? मंडी में आलू का दाम 10 रुपया। कंपनी किसान के पास आई डंडा लेके, तेने 6 रुपया का समझौता किया, निकाल आलू। सारा डंडे से कंपनी ने खरीदा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तेरे को देना पड़ेगा। अगले साल क्या हुआ? अगले साल आलू का दाम मंडी में 4 रुपया हो गया। किसान अब कंपनी के पास गया, जी हमने तो 6 रुपए का सौदा हुआ था। कंपनी ने कहा तेरे आलू का साइज ही ठीक नहीं है, और तेरा आलू तो मीठा है,
माल खराब है, 4 रुपए में देना है तो दे, नहीं तो चल। मन से नहीं बना रहा हूं, फोन करके पूछ लेना आप। मैं पटियाला मानसा घूम के आया था, यही हुआ है वहां किसानों के साथ। अब आप कहोगे कि कॉन्ट्रैक्ट था, कंपनी कहेगी ले जा अपना कॉन्ट्रैक्ट कर ले, कहां जाओगे? कानून कहता है पहली अपील एसडीएम के पास, वो कोई किसान एसडीएम के पास जा सकता है? दूसरी अपील डीएम के पास, अरे डीएम का तो चपरासी बाहर रोक लेगा मेरे को, कहां जाएगा, कैसे लागू करवाएगा? किसान बंधुआ हो जाएगा। ये दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट खेती का, मैं इसे कहता हूं बंधुआ किसान कानून। जैसे बंधुआ मजदूर होता है, किसान भी बंधुआ हो जाएगा, दूसरा कानून। तीसरा कानून है हमारी एपीएमसी की जो मंडी है, इसके बारे में कानून क्या है। सरकारी अपनी एपीएमसी की मंडी है, मंडी के बाहर एक प्राइवेट मंडी और बनेगी। प्राइवेट मंडी कौन बनाएगा? आप बना सकते हो प्राइवेट मंडी ना जी, लाखों के मालिक हो गए लेकिन करोड़ों के बगैर काम नहीं चलता। प्राइवेट मंडी बनाने के लिए 100-200 करोड़ तो चाहिए, तो कौन बनाएगा? अंबानी बनाएगा, अडानी बनाएगा, प्राइवेट कंपनी होगी, अच्छा सा आलीशान ऑफिस होगा, एसी उसके अंदर फिट होगा, फिल्टर पानी मिलेगा, किसान जाके बैठेगा, वो कहेंगे सरदार जी चिंता ना करो, मार्केट में आपको मिल रहा है 1700, हम देंगे 1750। किसान वहां बेच आएगा, दूसरी फसल आएगी जीरी की आएगी, फिर कंपनी कहेगी इस बार तो हम 25 रुपया फालतू दे रहे हैं, इसके अलावा आपको रिलायंस कंपनी का बोनस और मिलेगा, ये कूपन मिलेगा, वो कूपन मिलेगा। किसान फिर उस चक्कर में आ जाएगा, एक सीजन, दो सीजन, तीन सीजन, चौथी फसल आते आते आपकी मंडी खत्म हो जाएगी, सरकारी मंडी में कोई बचेगा नहीं, सारे आड़ती छोड़ छोड़ के बाहर आ जाएंगे। क्यों बढ़ेगा भाई, कोई पागल होगा जो अंदर बैठेगा? चौथे सीजन तक आपकी मंडी हो जाएगी खत्म, और फिर जब आप जाओगे रिलायंस वाली मंडी में, वो कहेगा जी अपना तो 1400 का रेट है, देख लो सरदार जी करना है तो कर लो, नहीं तो कोई गल नहीं। उसके बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं है, ये सारा वही खेल है मेरे नौजवान साथी, समझ रहे होंगे, जियो कंपनी ने जो खेल किया था पहले, तो जी मुफ्त में इंटरनेट फ्री, इतनी कॉलें फ्री, कोई चक्कर ही नहीं जी, ले लो जियो का कनेक्शन ले लो। बाद में जब सबको लग गई लत, अब कंपनी ने बढ़ा दिए रेट, अब कोई रास्ता नहीं, यही खेल होगा। कुल मिला के खेल कैसे, मैं कहता हूं इस कानून का नाम होना चाहिए मंडी तोड़ो एमएसपी छोड़ो कानून, मंडी तोड़ने का कानून है। पिछले 60-70 साल में किसान के सर पे छप्पर है, ये मंडी और कुछ नहीं, छप्पर टाइप सा है, छप्पर अच्छा नहीं है, टूटा भी हुआ है, लीक करता है, 100 शिकायत है, मेरे को भी शिकायत है मेरी मंडी के बारे में, हर एक को शिकायत है। तो मोदी जी क्या कहते हैं, मोदी जी कहते हैं भाई किसान के सर पे जो छप्पर है ये टूटा हुआ है, लीक कर रहा है, ऐसा करो छप्पर ही हटा दो, किसान नीली आकाश देखेगा, रात को तारे दिखाई देंगे, किसान को आजादी दे दी है जी हमने। किसान कहता भाई ये आजादी ना चाहिए मेरे, अगर मेरी छत पक्की कर सको तो कर दो, नहीं तो मेरा छप्पर ही रहने दो। ये सारी जो बातें करते हैं ना, किसान को आजादी दे दी हमने, ये वो, यही आजादी है। रात को तारे देखो, बारिश होगी तो सारा पानी घर के अंदर, और जब लू होगी, गर्मी होगी तो सारा सूरज धूप उसके अंदर, ये वाली आजादी है।